आ गई है, मैं इसी ट्रेन से जाऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि मुझे अच्छा, मैं थोड़ा सा ट्रेन में भी बनाऊंगा वीडियो यदि नेट चलेगा तो। फर्स्ट टाइम एक ट्रेन आती हुई ट्रेन का मैं वीडियो बनाने वाला हूं। मुझे मैं तो हाँ जी जी तो मैं तो बड़ा खुश हूं, पहली बार बनाऊंगा मैं ऐसा वीडियो, अब पता नहीं कैसी बनेगी। मैंने थोड़ा लाइट तेज कर देता हूँ। मैं ट्रेन में बैठकर भी ना गेट उट से या खिड़की से मैं वीडियो बनाऊंगा। ये रसूलपुर जो महेंद्रा हाट है वहाँ उतर करूँगा मैं, वहाँ का भी दिखाऊंगा। ये क्या हो, कहीं भी बैठ सके आदमी ना। कहाँ बैठी, मैंने बैठता नहीं तो सीट कुछ डिजाइन वाला सीट का फटा होने बैठता नहीं हम। तो मैं बैठ गया इसमें, ये तो बड़ा मज़ेदार है, इसमें सीटें पूरी खाली हैं। तब मैं कुछ बाहर मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर, और मुझे लग रहा है 1 घंटे में पहुँच जाऊँ, पता नहीं आधा घंटा 1 घंटा में पहुँचूँगा वहाँ पर। तो आप लोग पता नहीं 1 घंटा रहोगे तो। ये साफ़ है, आप ये देखो अभी ये साफ़ है सारा, ये यही से मैं आपको ये बता दूं कि ये इसलिए साफ है कि यहाँ पब्लिक कम है, नहीं तो पब्लिक साफ थोड़ी रहने देती। तो आपने देखा जो मूंगफली खा रहे हैं, छिलके फेंक रहे हैं, ये मैंने बचपन से देखा है, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि मतलब ये नहीं कि मैं भी गलती नहीं करता हूँ, करूँगा कम करने की कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगा कि ना करूँ। मैं कुछ जगह में गया था घूमने के लिए, मैं जगह का नाम नहीं बताना चाहता अभी। मैं कुछ टाइम पहले जो लोग फेसबुक पर उनको पता होगा मैं कहाँ गया था, तो वहाँ मैंने सफाई बहुत देखी, लोग काफ़ी वहाँ पे मतलब ये आप देख लो ना, ये आप हर जगह खा नहीं सकते, वहाँ पर फाइन होता है, पेनल्टी लगता है, आप हर जगह खा नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, जहाँ मर्जी हुआ कुछ भी खा के फेंकना तो बड़ी बात है, आप खा ही नहीं सकते, एक जगह बना होता है। और ये एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो बस का रूट होता है या जो ट्रेन का रूट होता है, उसे मैंने ये देखा है कि हमारे इंडिया में और दूसरे देशों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दूसरे देशों में जब ट्रेन के ट्रैक से आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे घर नज़र आते हैं, यहाँ पे देखो आप कैसे घर नज़र आते हैं। उसके बाद लोग ट्रैक के किनारे ही पोटी करते हैं यहाँ पर इंडिया में, पर इंडिया के बाहर नहीं करते हैं। मतलब आपको
आप शहर में होगे तो सुंदर लगता है, और आप ट्रैक के किनारे जाओगे तो और सुंदर लगता है। इतने बढ़िया से पेड़ होते हैं, सब ऐसे सजाए हुए हैं, कहीं कूड़ा करकट नज़र नहीं आता है, मतलब एकदम अपोजिट है। आप गांव के पास से यदि आप निकलो ट्रैक से, या जहां खासतौर पे शहरों में गंदगी बहुत है, गांव तो स्वर्ग है अभी भी हमारे इंडिया के। अब यहां पे तो क्योंकि एक तो आबादी कम है और शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये देखा कि आप विदेशों में आप देखोगे तो ट्रैक स्वर्ग है, जो जहाँ जहाँ ट्रैक निकली हुई है स्वर्ग जैसा है। इंडिया में मैंने देखा है कि जहाँ से ट्रैक निकलते हैं वहीं पे ज़्यादातर झुग्गियाँ होती हैं, ज़्यादातर लोग झुग्गी बना के रखते हैं, वहीं हगते हैं, वहीं पे सारी गंदगी फैलाते हैं, उनके घर का कूड़ा होता होगा तो लेकर ट्रैक के आसपास ही डाल देते होंगे। तो मतलब ये एकदम उल्टी सोच है। अब आप ये समझ जाइए कि सफाई अब इंडिया में भी हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। जैसे हमारे वहाँ पे मैंने देखा कि सफाई करते हुए मुझे कोई दिखा नहीं कभी भी। बाहर आप देशों में आपको सफाई नज़र कोई जल्दी आता नहीं है सफाई करता हुआ, तो मुझे समझ नहीं आता था कि गंदा होता ही नहीं है या क्या कारण है। ऐसा तो होगा नहीं कि गंदगी नहीं हो, पर सफाई भी होती होगी, तो रात में होती है सफाई मेरे ख्याल से। मैंने एक जगह देखा भी था जहाँ पर रात में जो स्वीपर हैं या जो भी सफाई करने वाले हैं उन्होंने रात में सफाई करी है। यहाँ पर तो इंडिया में हमारे क्या होता है, काम चल रहा होता है सफाई भी चल रही होती है, तो सिस्टम होना चाहिए ना रात में सफाई करने का सब लोगों को। जैसे कोई ऑफिस में है, आपका यदि ऑफिस है आपका घर है तो रात में सफाई कर लो। अब हम उठ के सुबह करते हैं, मुझे लग रहा है कि यदि अब पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बस मुझे लग रहा है इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है। जैसे हमारे घर के लोग सुबह उठते हैं, उठ करके भी झाड़ू पोछा सब करते हैं, यदि इसकी जगह ये हो जाए कि जो बर्तन धोने रात में धो लो और झाड़ू पोछा जो करना है रात में कर लो सोने से पहले, तो मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा, मेहनत तो उतनी ही है, पर आप जब सुबह उठोगे तो एकदम सारा साफ होगा, साफ सुथरा होगा, या थोड़ा सा ही गंदा होगा, तो आप अपने दिन के जो काम है वो जल्दी से शुरू कर सकते हो। तो ऐसा तो हुआ तो अच्छा है मेरे ख्याल से। कोशिश करेंगे कि हम मूंगफली खा के हम ना फेंके, हम क्या करेंगे पॉलिथीन या पेपर में या हम अपने जेब में डाल लेंगे। जैसे मूंगफली खा रहे हैं एक जेब में लेके जेब में डाल लो, जब हम उतरेंगे कहीं पर जहां लगता है कि हम फेंक सकते हैं वहां लेकर के फेंक देंगे। जैसे ट्रेन में बस में ये नहीं करेंगे। और जैसे लीची खा रहे हैं, लीची की जो लकड़ है मैंने वहां देखा है कि एक मैं क्या बोलूँ उसको, एक औरत थी वो लेकर के वहीं पे फेंक रही है। अब उसको तो मेरा तो तो हम लोग अब नहीं करेंगे, ट्रेन में हो गया, बस में हो गया, या हम कहीं भी बैठे हुए हैं, बगीचे में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी हैं, तो ख़ास तौर पे आप लकड़ी उकड़ी तो फेंक दो, पेड़ के जो पार्ट है उनको फेंक सकते हैं, जैसे फल सब्जियां, खाना लिक्विड कोई जो चीज़ है जिसमें कि चीनी उनी टाइप का कुछ है उसमें चैसा कुछ, तो वो हो गया, ये सब पार्ट हमें हर जगह नहीं फेंकना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, मेरा भी इसे टाइम पास हो जाएगा। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि यदि मैं
मतलब आप ना यदि तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, तो आप कोशिश करो कि थूको मत हर जगह। मैंने देखा है जहाँ देखो थूकते हैं, बिल्डिंगों जो बिल्डिंगें होती हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, उसमें जाते हैं और कोने में जाकर थूकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात बता रहा हूँ मैं।
हेलो मैं अभी पचरुखी अपने बिहार में अपने जहाँ मेरा गांव है उस साइड में ही है, दूर है थोड़ा सा, पचरुखी में हूँ मैं। एक शादी में आया था, फिर वहीं पर एक मेरे रिलेटिव हैं खास, तो उनके घर रहा मैं। अब मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ, मतलब अपने गांव। यहाँ से मैंने ट्रेन मैं बस से जा सकता था, पर मैंने सोचा मैं ट्रेन से जाऊँगा, अच्छा लगता है ट्रेन से। बस में तो प्रॉब्लम होती है, तो अब मैं पर ट्रेन यहाँ लेट है। मुझे बताया गया था मेरे ख्याल से 7:15 या ऐसा कुछ आना चाहिए था, आनी चाहिए थी, तो लेट है। 8 बजे के आसपास आने वाली है, इससे पहले बता रहा, पर मुझे लग रहा है जब लेट है तो और लेट होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ तो है, कुछ कूड़ा थोड़ा बहुत है, यदि ये भी हम ना रखें तो कितना सुंदर लगेगा ये स्टेशन, अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा स्टेशन है पर बढ़िया है, साफ लग रहा है। देखो ये देखो, साफ लग रहा है ना, सुंदर है ये। सिवान छपरा से तो सुंदर लग रहा है मुझे। भीड़ ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा गंदगी करते हैं। ये सीन मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं उस तरफ मुझे जाना है, यहाँ से मैं जाकर रसूलपुर जगह है वहाँ महेंद्रनाथ, वहाँ मैं उतरूँगा। मुझे अच्छा लगता है ये जो मुझे ट्रेन देख देख अब देखो मेरी एज तो काफ़ी है, तो मुझे ट्रेन देखना अच्छा लगता है। और ये मुझे ट्रैक पर या स्टेशन पर मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। वैसे हम साल में या 1 साल या 2 साल पर ही हम
ऐसे जगहों पे आते हैं, तो हो सकता है इस वजह से अच्छा लगता होगा मुझे। तो हो सकता है फेसबुक पे देखो ज़्यादा लोग तो देखते नहीं हैं, या मुझे आइडिया नहीं लगता है कितने लोग देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है सीन। यदि आप भी कभी जा रहे हो कहीं पर भी, यदि आप घूम रहे हो तो आप दिखाओ। हो सकता है 10 में 10 लोग देख रहे होंगे, उससे एक या दो लोगों को पक्का अच्छा लग रहा होगा। इससे हमारी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं, या फिर हम कभी कभी जाते हैं, अपने होम टाउन जाते हैं या फिर अपने घर जाते हैं, होम टाउन हो गया या हम जहाँ पे शहर में रहते हैं वहाँ जाते हैं। अब पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, पर मुझे अच्छा लगता है। एक ट्रैक पे ट्रैक देखना, स्टेशन देखना, यहाँ ट्रेनें आती हैं। अभी काश ऐसा होता कि जल्दी कोई ट्रेन आती तो मुझको भी दिखाता। अब मेरा बेटा है वो, अब इधर नहीं, 2-3 महीने या 6 महीने पहले वो यूट्यूब पे ट्रेनें देखना उसको बड़ा पसंद था। तो मैं तो कोई तो डालता है ना यूट्यूब पे, यूट्यूब हो गया चाहे ऐसे आप नेट के हेल्प से जो बच्चे देखते हैं, तो ऐसा कोई ले लोग डालते होंगे। जैसे फेसबुक पर ये वीडियो होता है तो लोग क्या करते, ये ज़रूर हो सकता है यूट्यूब पे भी चला जाता होगा ऑटोमेटिक या कैसे, पता नहीं, मैं तो नहीं डालूँगा। तो आप में से यदि किसी को अच्छा लग रहा हो तो अच्छा है मेरे लिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब पता नहीं मेरा मन करता है लाइव आने का, कुछ ही टाइम से मैं लाइव आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से 1 महीने से। 1 महीने पहले मैं लाइव नहीं आता था, मैं देखता था लोग लाइव आते हैं, कुछ वो अपने काम की चीज़ें करते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का मैं सोचता हूँ वहाँ के चीज़ों को दिखाऊँ, और मैं भी इस बहाने देख लेता हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है इससे। आप भी कहीं जाते हो यदि संभव है तो दिखाओ। हाँ बस मैं पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं कि लोग क्या मुझे बेवकूफ कह रहे होंगे, ये क्या करता रहता है पता नहीं। तो ऐसा यदि मुझे ज़्यादा लोग मिलेंगे तो छोड़ दूंगा मैं भी, क्या ज़रूरत है, पर अच्छा लगता है। अभी आप मैंने किसी से पूछा कि आपके फादर की फ़ोटो आपके पास है, आपके जो पिताजी, क्योंकि मुझे उन मैंने बचपन में उनको देखा था और अब मैं भूल गया उनका चेहरा, मतलब धुंधले से याद आती है। फिर मैंने कहा कि एक बार फ़ोटो देखूँ तो मुझे याद आ जाएगा कैसे थे क्या। तो उसने बोला कि कोई फ़ोटो नहीं है अभी, आप समझ लो। अब जब मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि यार देखो काश फ़ोटो होते तो मैं देखता, अब उनको पता नहीं फील होता है नहीं होता है पता नहीं। तो ये यदि हम ये कुछ रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, रख ले रहे हैं, तो सोचो इसकी वैल्यू कितनी होगी पता कब, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद। यदि हमारे फेसबुक देखो जो बिहार से रिलेटेड है ना उनको तो अच्छा लगेगा। जो जैसे मान के चलो जो पचरुखी ये के जगह है इसके आसपास से या जो से जुड़े हुए लोग हैं, यदि उनको अचानक गलती से ये वीडियो दिख जाए मान लो कभी भी, तो ये ज़रूर है 10 साल या 20 साल के बाद ऐसा ये नहीं रहेगा, या तो काफ़ी अच्छा हो गया होगा या ख़राब हो गया होगा, इतना मतलब खुला होगा ऐसा तो नहीं होगा, तो अच्छा लगेगा। हाँ मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो या लाइव क्यों आ रहा हूँ मैं, कि जो भी चीज़ें पुरानी हो जाती है ना, वैसे इंसान, हम इंसान जितने पुराने होते हैं वैल्यू डाउन हो जाती है। केवल एक इंसान ऐसा है जो जितना पुराना होगा, या जीव, मैं आपको बता रहा हूँ जीव, शायद जानवरों को छोड़ के बाकी जितने जीव हैं, जानवरों में कुछ सब के लिए नहीं कुछ को लिए, बाकी जितने पुराने होते हैं उनकी वैल्यू नहीं है, इंसानों की वैल्यू नहीं होती है, पर बाकी चीज़ों की हैं, जिसमें प्राण नहीं है ना उसकी वैल्यू बहुत होती है। अब मैं ये जो वीडियो सोचो मैं 20 साल के बाद यदि कोई देखे तो उसे कहेगा यार देखो, वो डिफरेंस देख पाएगा कितना डिफरेंस है, क्या अंतर है कि पचरुखी आज कैसा है और 20 साल के बाद कैसा होगा।
तो कोई ये रिकॉर्ड होंगे तभी तो कोई देखेगा। तो अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लोग अपने पेरेंट्स का भी कुछ वीडियो बना लें, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का बना लो वीडियो, आप अपने घर का किसी का भी बना लो, चुपके से बना लो, मतलब रियल रियल होना चाहिए वो। ऐसा ना हो कि उसे बना रहे तो उसको पता भी चले तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे होने चाहिए जो नेचुरल हो और कुछ ऐसा हो जो आर्टिफिशियल हो। तो ये जब 10 साल या 20 साल बाद हम देखेंगे तो अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, मैं भी कोशिश करूँगा। कुछ लोग उसी में नहीं रहते, इस दुनिया में चले जाते हैं, तब हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बस तो अपने घर वालों को फोटो तक नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा बोर ना करूँ किसी को, पर कुछ थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना लूँ। और देखो मेरे गांव में नेट नहीं चल रहा है, उधर मैं कुछ रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाता हूँ ये सब। और इधर मैं इधर पचरुखी में आया हुआ हूँ तो इधर नेट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इंटरनेट काफ़ी तेज चल रहा है। फिर मैं अभी गांव जाऊँगा, उसके बाद फिर मेरा इंटरनेट चलेगा नहीं। अच्छा अभी मैं पचरुखी में हूँ, सिवान के आसपास में है पचरुखी। अब कितना दूर है सिवान से पता नहीं मुझे। मैं यहाँ पर आया था एक सांकरा एक जगह है, वहाँ आया हुआ था मैं। शादी में किसी जोगिया से बारात आई थी, बारात में गया था मैं। फिर यहीं पर मैं एक मेरी सिस्टर रहती है, मेरी जो बड़ी सी वाइन है उनकी लड़की है, उनकी शादी हुई है, तो उनके घर में था जो बारात कर रहा था परसों यहाँ पे आया था। कल परसों रुका रात में, कल दिन में और रात में, और आज घर, आज मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ। मैं बस से जाना नहीं चाहता था, उससे मज़ा नहीं आता, ट्रेन से अच्छा लगता है। और यदि मैं बस पे होता तो क्या दिखाता वहाँ, तो ज़्यादा अच्छा कुछ होता नहीं दिखाने का। पचरुखी स्टेशन साफ़ है, कितना सुंदर है, अच्छा लग रहा है मुझे, सिवान से अच्छा लग रहा है ये। थोड़ी देर लाइव रहूँगा फिर हट जाऊँगा, लंबा हो जाता है लाइव। अब देखो साफ़ है, मुझे लग रहा है हम सबको साफ़ रखना चाहिए। मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं कहीं कागज़ भी फेंकता हूँ मजबूरी में भी, तो मुझे बुरा तो लगता है। मुझे जैसे ऐसे बॉटल फेंक दिया है लोगों ने, ये सब ऐसे फेंक दिया, पानी फेंक दिया, फेंक देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या लोग गाली देते रहते हैं कि सफाई करो, दूसरों को गाली बोलते रहते हैं कि सफाई नहीं होती है, बिल्कुल गंदगी फैलाते रहते हैं, जहाँ बैठे हुए खाते रहते हैं, अब यहाँ खा रहे होंगे और यहीं पे फैला रहे होंगे गंदगी। देखो अब जैसे मूंगफली खा रहे हैं तो एक क्या करें, एक पॉलीथीन रखे हैं, उसमें जो से जो डस्ट जो वेस्ट पार्ट होता है उसमें हम उस रख सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन में लोग देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो तो मूंग लोग क्या ऐसे करते हैं, मूंगफली खाते हैं और लोग छील के स्टेशन में फेंक देते हैं। वो लोग कई तरह लोग देख लिया आपने, और फिर बुराई करते हैं, स्टेशन साफ नहीं है। आप इधर भी देख लो, देखो ये लीची खा करके उसके जो डस्ट पार्ट है उसको लेकर के वहीं पे फेंक दे रहे हैं बगल में, अब इसको कोई क्या करेगा। चलो तो लक्कड़ है तो वो तो चाहिए, तो जो पेड़ पौधे के जो पार्ट हैं वो, यदि हम फ्रूट की बात छोड़ दें तो फ्रूट जो फल है, फल को नहीं, फल के अलावा सारा है तो वो तो कहीं फेंको तो सब सही है, उससे कोई उससे गंदगी नहीं होगी ज़्यादा।
तो मैंने देखो, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे करते हैं। तो ये हम कम से कम कोशिश, मैं जो फेसबुक पर अभी हैं वो, और हम यदि कोशिश करें कि ये ना करें, हम ये हम नहीं करेंगे। ज़रा मैं देखता हूँ कि मैं पता कर लूँ कौन सी ट्रेन है ये। अच्छा, ये रसूलपुर, अरे रसूलपुर।